शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं अमीषा पटेल और आप देख रहे हैं खबर शहर सीन न्यूज चैनल। आइए देखते हैं सीतापुर से पुनीत यादव की यह रिपोर्ट। यूपी के सीतापुर में पति के जिंदा रहते हुए 22 महिलाओं को मिलने लगा विधवा पेंशन। जहां 8 माह पहले शादी हुई 22 पत्नियों के खाते में विधवा पेंशन का पैसा पहुंचने की जानकारी मिलने से हड़कंप मच गया, जबकि सभी के पति जिंदा है। अब पति खुद को जीवित होने का सबूत लेकर अफसरों के हाथ दौड़ लगा रहे हैं। सरकारी योजनाओं के पैसे को कुछ दलाल किस तरह बंदरबांट कर रहे हैं, यह उसी की एक वानगी है। बता दें, बार्सगंज के रहने वाले संदीप कुमार महमूदाबाद ब्लॉक के जाफरपुर गाँव में सफाई कर्मी है। सीतापुर में एक सनसनी पकड़िया से आए हैं, ढापो पर पकड़िया जी। और हम बैंक के यहाँ गए कईयों चक्कर जी, तो वहाँ मैनेजर लोग कहें कि जहाँ से पैसा आता है तहाँ जाओ। कब से पैसा नहीं आया? बैसाख से हम पायर हैं साहब, और बैसाख से नहीं फिर नाता है। का नाम है तुम्हारा? हमारा केतकी नाम। अगर यहाँ आती है तो बाबू लोग क्या कहते हैं? यहाँ पहली बार आए, पैसा हमारे कहाँ रुकी भाई नहीं करा। अच्छा, इस बार रुका? हाँ, फिर रुका। और आपके द्वारा भी मुझे पता चला है कि 22 ऐसी महिलाएं जो सुहागन है, विधवा नहीं है, लेकिन उनको विधवा पेंशन मिल रही है। इस बारे में मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूं कि विधवा पेंशन का जो सत्यापन होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक द्वारा होता है और शहरी क्षेत्रों में तहसील द्वारा होता है। ये ग्रामीण क्षेत्र का मैटर है, तो इसमें जो सत्यापन रिपोर्ट आई है, अगर उसके आधार पर किसी ने गलत रिपोर्ट देके उनको लाभ दिलाने का प्रयास किया है तो जिम्मेदार व्यक्ति का उत्तरदायित्व तय करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जांच कराने के उपरांत। ये मैटर मैंने संज्ञान में ले लिया और तत्काल जांच आदेश जारी कराने का निर्देश दे दिया है। इसमें तत्काल जांच करा के जो भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। वो या तो हम जिला स्तरीय अधिकारी की टीम बना के भेजेंगे या ऑलरेडी गठित टास्क फोर्स होती है जो हर ब्लॉक में गठित होती है, उसके द्वारा जाँच कराएंगे।